हेलो गाइस, मैं हूं अमित। सबसे पहली बात, इस वीडियो में बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, तो आप में से कोई भी इंसान इस वीडियो में दिखाई किसी भी चीज को किसी भी तरीके से ट्राई नहीं करेगा। अगर करोगे तो भाई आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, क्योंकि भाई कुछ ऐसा ही होने वाला है आज के वीडियो में। कुछ भी हो सकता है, लिटरली हमें भी नहीं पता कि क्या हो सकता है, बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। भाई अगर बात करें हम बलून्स की, गुब्बारों की, आपके दिमाग में क्या आता है गुब्बारा देख के या सुन के? ऐसा लगता है कि बहुत नाजुक सी चीज है, बहुत मुलायम सी चीज है, कुछ टच भी हो जाए तो फूट जाती है गुब्बारे के साथ, यही तो होता है। लेकिन आज हम लोग बनाने वाले हैं शायद दुनिया के सबसे खतरनाक गुब्बारों में से एक गुब्बारा, क्योंकि आज हमारे पास में यहां पर है मॉन्स्टर बलून्स। ये जो है बिना फूले इतने बड़े साइज के हैं भाई। और यहां पर सारा कमाल गाइस ये है कि अगर इन बलून के अंदर हम हवा भरते हैं नॉर्मली, तो ये जो है फूल जाते हैं, फूल करके बड़े हो जाते हैं। लेकिन ये ट्रिक नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। अगर इनके ऊपर भी कोई पिन वगैरह लगाएंगे तो ये भी फूट जाएंगे। बट आज जो चीज हम करेंगे ना, वो इनको इतना खतरनाक बना देगी कि आप लोग भी देख करके शॉक हो जाओगे। कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, रिस्क की चीज़ है, थोड़ा रिस्क लेके काम कर रहे हैं। आप लोगों के लिए रिस्क लेना पड़ता है भाई, तभी आपको कुछ मज़ा आएगा और सीखने को भी मिलेगा। तो सब लोग इस वीडियो को क्लिक तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ ट्राई मत करना। भाई शुरू करते हैं फटाफट से। तो भाई तैयारी शुरू करते हैं खतरनाक धमाके की, और मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा कि हम करने क्या वाले हैं, होने क्या वाले हैं। तो गाइस, इस कट्टे के अंदर एक्चुअली में एक ऐसी चीज़ है जो कि देखने में बहुत ही सिंपल लगी, यार फाड़ ही देते हैं पन्नी को। गाइस इसके अंदर है कुछ पत्थर, ये देखो ये पत्थर के टुकड़े हैं, और यहाँ पर आपको देख कर भी लगेगा यार ये क्या, ये पत्थर ही तो है। गाइस है तो ये पत्थर ही, लेकिन इसको सिर्फ पत्थर समझने की गलती मत कर देना, ये बहुत खतरनाक पत्थर है जो कि हमारे बलून को बहुत खतरनाक बना सकता है। चलो आपको दिखाते हैं कि ये पत्थर जो है क्या करता है। तो भाई यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा पानी, इसके अंदर डाल रहा हूँ उसी पत्थर का टुकड़ा। जैसे मैंने डाला अंदर, क्या होने लग गया भाई, एकदम से ये जो पत्थर था जो नॉर्मली दिख रहा था वो किस तरीके से रिएक्शन करने लग गया। और गाइस अगर मैं इसके ऊपर एक बलून लगा दूं तो आपको ये भी समझ में आएगा कि यहाँ पर इसमें से कुछ ना कुछ गैस निकल रही है, और इसीलिए जो बलून है वो फूल भी रहा है। और अभी ये जो बलून है ये दुनिया का सबसे खतरनाक बलून तो नहीं है, वो बनाने के लिए हमें एक और चीज़ को इसके अंदर मिक्स करना पड़ेगा। लेकिन गाइस ये छोटा बलून है, इसके साथ नहीं करेंगे, ये तो बच्चा है, मॉन्स्टर बलून के साथ करेंगे। चलो तो दोस्तों मॉन्स्टर बलून यहाँ पर आ चुका है, और साथ ही साथ में यहाँ पर इस बड़ी टंकी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने पानी जो है वो भर लिया है, 20 लीटर की टंकी है, क्योंकि इतना बड़ा बलून, और इसको भरने के लिए ज़्यादा हमको गैस चाहिए जो कि बनेगी ज़्यादा इस पत्थर से। तो इसमें डालते हैं, इसको बंद करते हैं, और कमाल देखना गाइस, तुरंत से जो गैस है वो बनना यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। जल्दी जल्दी डालना पड़ेगा, सुपर फास्ट। तो गाइस अब जो बलून है उसको जल्दी से इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि जो बलून है वो भरना स्टार्ट हो। और गाइस आपके सामने जो बलून है वो भरना स्टार्ट ही हो चुका है, और अब ये जो बलून है ये बनने जा रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक बलून, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ भरी है वो एक बहुत खतरनाक चीज़ है। और ये फर्स्ट स्टेप है, हम इसको दो बार करेंगे, जो पहला वाला है वो दूसरे बार से बहुत कम खतरनाक होगा, तो ये वाला बहुत कम भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो सोचो कि जो ज्यादा खतरनाक होगा कितना खतरनाक होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस यहाँ पर इस बहुत बड़े बांस के ऊपर मैंने कपड़ा लगा लिया है, और इसमें डीजल लगा लिया है, और इससे लगाएंगे इसके ऊपर आग। ठीक है करतर, सीधा उस पर टच करना है इसको, मोहित भग जा, इन 3 2 1। ओ शिट, ओ वाओ, सबसे बड़ी रिंग। क्या धमाका था, ओ शिट भाई, हमारे जो कैमरास हैं
उनकी हो गई है ऐसी की तैसी। इसमें से अभी भी जो है जल रहा है। ओ वाओ गाइस, देखा आपने कितना खतरनाक ये चीज है। एक बलून था, बलून कितना खतरनाक हो गया, अंदाजा लगा आपको इस चीज का? यहाँ पर था वो बलून अभी अभी, और अभी भी इसके अंदर वो गैस है, बन रही है, बहुत स्लो बन रही है, और इस वजह से ये बाहर आग आ रही है। जब बलून फटा ना, ऐसा लगा जैसे जो एटम बम होता है ना वो फटता है ना, जिसमें पूरा ऐसे निकलता है, आग निकलती है बहुत लंबी, और उसके बाद में फिर धुआं भी निकलता है, ऐसे पूरे आग का एक गुबार निकलता है, वो चीज निकली थी भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो अब हम एक ऐसी चीज ट्राई करेंगे जिसमें हम इसके अंदर एक और चीज ऐड करने वाले हैं गाइस। ये है कार्डबोर्ड का डब्बा, एक गत्ते का डब्बा, और कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ एक होल यहाँ पर अभी तक हमने किया हुआ है, लेकिन इसमें हम इस चीज के अलावा एक चीज और डालने वाले हैं, उसको बलून में भी डालेंगे, लेकिन ये जो है छोटे लेवल पर है, इसमें इतनी ही चीज आएगी। क्या चीज है गाइस? ये है ऑक्सीजन का सिलेंडर, प्योर ऑक्सीजन है इसके अंदर, और ऑक्सीजन जो है वो जब किसी फ्यूल के अंदर मिलता है तो उसको और भी खतरनाक जो है बना देता है। आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन जो है वो जलाने में मदद करती है, इट हेल्प्स इन बर्निंग। सो यहाँ पर इस पाइप से ऑक्सीजन जाएगी उसके अंदर। अभी तक हम सिर्फ फ्यूल दे रहे थे, इस बार हम फ्यूल के साथ में ऑक्सीजन भी देंगे, और उम्मीद है कि जो रिजल्ट्स हैं वो पिछली बार से हो सकता है 10 या फिर हो सकता है 100 गुना ज्यादा खतरनाक हो। ठीक है गाइस, अभी इसमें जो गैस आ रही है वो ऑक्सीजन है, यहाँ पर गैस आ रही है, तभी मेरे जो बाल है वो उड़ रहे हैं। तो भाई यहाँ पर इस पाइप को मैं इसमें डाल देता हूँ, हो गई है कि अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन चली जाएगी, तो इसकी जो अंदर की एयर है वो बाहर निकल जाएगी। जब तक इसमें ऑक्सीजन जाती है, यहाँ पर हम जो है हमारी गैस तैयार कर लेते हैं। बंद कर दो ऑक्सीजन। तो भाई अब इसके अंदर ऑक्सीजन लोड हो चुकी है, अब गैस लोड हो रही है। तो भाई मेरे हिसाब से इसमें इनफ अमाउंट के अंदर फ्यूल और ऑक्सीजन आ चुका है। अब इसके अंदर डाल रहे हैं एक फ्यूज जो कि लगाएगा अंदर आग, और अब इसको जो है कर देते हैं सील, ताकि अंदर की जो गैसेस हैं वो बाहर ना आ सके। और यहाँ पर एक बहुत खतरनाक चीज गाइस तैयार हो चुकी है, चलो इस पे लगाते हैं आग और देखते हैं क्या होता है। 3, 2, 1 गो। गाइस ये जो चीज है, ये काम करी है, यहाँ पे हमने गैस की मदद से इसको फाड़ दिया है भाई। सोचो वो जो पत्थर है उसने इसको फाड़ दिया है। वो भी एक धमाके के साथ में, जैसे ही मैंने फ्यूज लगाया, जैसे ही मैंने बैटरी को टच किया, हालत जो है वो आपके सामने, इतना बड़ा एकदम पैक डब्बा जो है वो किस हाल में हो गया है। ये कमाल था गाइस फ्यूल और ऑक्सीजन के मिक्सचर का। और अब बारी है बड़े बलून के अंदर ये चीज ट्राई करने की, जहां पर बहुत सारा फ्यूल होगा, बहुत सारी ऑक्सीजन होगी, और नजारा भी देखने को मिलेगा। बट प्लीज बस ट्राई मत करना इस चीज। दोस्तों हमने थोड़ा सा वेट किया ताकि थोड़ा सा अंधेरा और हो जाए, थोड़ी रोशनी कम हो जाए, ताकि और अच्छे से दिखे, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर सब कुछ बहुत फास्ट हो सकता है पिछले बार से। तो यहाँ पर पानी तैयार है, बलून तैयार है, और यहाँ पर ये चमत्कारी पत्थर भी तैयार है। डालते हैं फटाफट से, फटाफट, फास्ट फास्ट, सुपर फास्ट। तो गाइज मेरे हिसाब से इसमें सफिशियंट अमाउंट में आ चुकी है ये गैस, क्योंकि अब हमको इसके अंदर ऑक्सीजन भी डालनी है, तो इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ और ऑक्सीजन भरते हैं इसमें। और तो भाई ये बनेगा बड़ा ही खतरनाक बलून। कर दे भाई चालू कर दे। तो भाई सब बलून में जा रही है ऑक्सीजन फिलहाल, फ्यूल अंदर है, ऑक्सीजन जो जलाने में मदद करती है वो जा रही है। ना ना बस बंद कर। तो गाइस ये हमारा जो बलून है ये एकदम लोडेड है फिलहाल, और अभी मेरे हाथ में जो बलून है वो एक्चुअली में दुनिया के सबसे खतरनाक बलून्स में, जिनके अंदर गैस भरी है, जिनके अंदर कोई पॉइजन जहर नहीं भरा है, जिनके अंदर गैसेस भरी है, उसमें से एक है। और इसको वैसे पिछली बार की तरह नहीं फोड़ सकते, इसके ऊपर जो है हमें एक इलेक्ट्रिक फ्यूज ही लगाना पड़ेगा पिछले बार की तरह, कार्डबोर्ड की तरह। ठीक है, इन 3, 2, 1 गो। ओह शिट। ओह
शिट ओहो अरे कान से नहीं सुन रहा मुझे ऐसा लग रहा है कि कान के पर्दे फट गए सीरियसली ओ भाई एटम बॉम्ब था एटम बॉम्ब मेरे कान जो है एक से नहीं सुन रहा भाई मुझे सुन ही नहीं रहा कान से ये देखो एक बार नीचे हैं ओ शिट ओ भाई इतना खतरनाक धमाका आज तक नहीं हुआ मेरे कानों में पी हो रहा पी किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना कानों में तो दर्द हो रहा है सबके ही हो रहा है कानों में तो मेरे भी दर्द हो रहा है आज तक इतना खतरनाक धमाका कभी भी नहीं हुआ कभी नहीं हुआ और मैं जो है आपको बताने वाला था कि हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी लेकिन अब मैं आपको नहीं बता रहा मैं सोच रहा था कि सब बता देंगे हमने क्या चीज़ यूज़ करी कैसे हमने किया लेकिन गाइस अब मैं नहीं बता रहा हूँ इससे खतरनाक धमाका कभी ज़िंदगी में नहीं देखा इतने धमाके किए आज तक इतना खतरनाक नहीं देखा और नहीं सुना भाई लिटरली कोई अगर थोड़ा कमज़ोर दिल का आदमी हो ना उसको हार्ट अटैक आ जाए पैरों के नीचे ज़मीन हिल गई जब बम फटा बम ही बन गया यार ये और गाइस ये सब हुआ है साइंस से साइंस की मदद से कुछ केमिकल्स और गैसेस को मिक्स करके और अब मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि ये जो है दुनिया के सबसे खतरनाक गुब्बारों में से एक गुब्बारा था भाई मैं सही में कुछ नहीं बता रहा हूँ क्या यूज़ किया है क्या नहीं अगर आपको पता है गलती से भी अगर आपको पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मत ट्राई कर लेना यार वो नॉर्मल वाला हो जाए फिर भी इतनी दिक्कत नहीं है आग वाला ये जो था ना ये ऑक्सीजन मिक्स करके प्लीज़ डोंट ट्राई ठीक है गाइस इससे खतरनाक धमाका मैंने कभी नहीं देखा आई होप आपने भी नहीं देखा होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने देखा या नहीं देखा है गाइस और पता है आपको समझ में आ ही नहीं पाएगा क्योंकि आप अपने हेडफोन में ईयरफोन में सुन रहे हो चीज आप अगर यहाँ होते ना हम हमारे कानों से सुने उस चीज को तो आप बस समझ लो कि ये कितना खतरनाक है हमारे बताने से ही भाई सब लोग लाइक करना इस चीज के लिए भाई ये रिस्क लेते हैं यार आप लोगों के लिए लेते हैं पता नहीं होता कब क्या हो जाएगा इस किस सेकेंड क्या हो जाए कुछ नहीं पता हमारे काम में लेकिन अगर ट्राई नहीं करेंगे ना तो आपको कुछ नया नहीं दिखा पाएंगे बस इतनी सी बात है तो आप सब लोग भी यार भाई लाइक करना इस चीज़ के लिए इस वीडियो के लिए कम से कम यार अब आप अभी भी लाइक नहीं करोगे ना तो फिर इससे ज़्यादा ना तो हम रिस्क ले सकते हैं मतलब आप लोगों के तो ले लेंगे यार ऐसा नहीं है लेकिन ये रिस्क हमारे काम में होता ही है भाई तो प्लीज़ सब लोग वीडियो के लिए लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस इतना कर दो आप तो लाइक सब्सक्राइब करने का चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता कोई खर्चा नहीं आता सिर्फ आपका प्यार है आपको सिर्फ वो बटन दबाना है सिर्फ आपको एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का मेरे कान मेरा दिमाग सब कुछ अभी तक सुन है मेरे को पसीना आ गया जब वो फटा चलो ठीक है गाइस आज के लिए इतना ही बंद करते हैं आप थोड़ा रिलैक्स होते हैं सर भारी हो चुका है मेरा ऑलरेडी आज के लिए इतना ही चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय